क्या हम अपने आप को जीनियस कह सकते हैं? क्या होती है एक जीनियस बनने की क्वालिटीज? क्या वो सभी क्वालिटीज मुझ में हैं? आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा होगा। बेशक इसी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। हर कोई जीनियस और इंटेलिजेंट बनना चाहता है। क्या करना होता है जीनियस बनने के लिए? आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जीनियस लोगों की क्या क्वालिटीज होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ ऐसी क्वालिटीज देखी गई हैं जो जीनियस लोगों में आम तौर पे पाई जाती हैं। जैसे सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जीनियस लोग कभी भी हार नहीं मानते हैं। यही इनका सीक्रेट है जिस वजह से ये सक्सेसफुल होते हैं। आखिरी तक ये एफर्ट करते रहते हैं। दोस्तों, एलन मस्क के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की थी तो इससे पहले उनके 3 रॉकेट बर्बाद हुए। टाइम के साथ साथ काफी पैसा बर्बाद हुआ उनका, बट एलन मस्क का कहना था कि मैं कभी भी हार नहीं मानता हूँ। या तो मैं मर जाऊंगा तब हार मानूंगा, या मेरी इतनी बुरी हालत हो जाए कि जिससे मैं अपंग हो जाऊं और मैं कुछ करने लायक ना रहूं। तो ये होती है जीनियस लोगों की सोच। और दूसरी क्वालिटी ये होती है कि वो अपने धुन के बड़े पक्के होते हैं। जीनियस किसी एक काम के पीछे पड़ जाते हैं तो चाहते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाते हैं और उसी को लेकर सोचते रह जाते हैं। जाहिर है कि वह अपने काम को इतना पसंद करते हैं कि उनका काम एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ। और एक और क्वालिटी उन्हें पाई गई है कि वो किताबों के बड़े शौकीन होते हैं, यानी किताबें पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता है। आज के समय में हम सब एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। इन सभी ने भी अपने टाइम में सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ा था और अपने आप को मोटिवेटेड रखा, जिस वजह से आपको उनके मुंह से हमेशा पॉजिटिव ही सुनने को मिलता है। इसी वजह से ये दूसरों के लिए काफी इंस्पिरेशनल होते हैं। क्या आपको भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने का शौक है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और कौन सी बुक आपने अभी हाल में पढ़ी वो भी लिखकर जरूर बताइएगा। एक और इनमें क्वालिटी होती है हाई सेल्फ कंट्रोल। ये इंटेलिजेंट और जीनियस पर्सन की बहुत बड़ी निशानी होती है। जो व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता है वो काफी इंटेलिजेंट कहलाता है। एक सर्वे के मुताबिक जो लोग इम्पल्सिव डिसीजन और खुद के इमोशंस और एक्शन पे कंट्रोल रख सकते हैं वो लोग काफी इंटेलिजेंट कहलाते हैं। पुट अ प्लान इनटू एक्शन। जीनियस लोगों के मन में बहुत सारे आइडियाज आते हैं और वे उन आइडियाज पे तुरंत वर्क भी करते हैं, तुरंत एक्शन भी लेते हैं। हम सभी के मन में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, पर हम में से कितने लोग ही आइडियाज पे वर्क करते होंगे? अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आइडियाज पे वर्क करना भी जरूरी है। जीनियस लोगों की एक और पहचान होती है कि रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि जीवन में हमें रिस्क लेना चाहिए, मगर बिना सोचे समझे या बिना चीजों को कैलकुलेट किए हुए कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये बात कहते हैं फेमस क्रिकेटर MS धोनी। वो बताते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क लेने के लिए हमें बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। यही क्वालिटी जीनियस लोगों में देखी जाती है और वे लोग हर चीज को सोच समझ के करते हैं। ये सभी वो बेस्ट क्वालिटीज है जो उनमें पाई जाती है, जिसके दम पे वो सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। अब बात करते हैं उन सभी क्वालिटीज की जो स्वाभाविक होती है। जब भी आप उनसे मिलेंगे तो आप उनमें ये चीज पाएंगे। क्या आपने कभी किसी जीनियस पर्सन को गप्पेबाजी करते हुए देखा है? जीनियस लोगों के पास टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए वो सोच समझ कर खर्च करते हैं। टाइम को मनी की तरह खर्च करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट कामों को ही टाइम देते हैं और बाकी कामों को नो करते जाते हैं, यानी कि नो करना भी इनका स्वभाव होता है। ये सभी चीजों को यस नहीं करते हैं। अब कुछ जीनियस लोगों की ऐसी भी बातें हैं जो सुनने में अजीब लगेंगी पर सच है। जैसे कुछ जीनियस लोग अपने आप से बातें करते हुए देखे गए हैं, खुद से ही डिस्कशन करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, बहुत ही बड़े प्लानर होते हैं। इन्हें फैशन से कोई मतलब नहीं होता है और ना ही सजने संवरने का। इससे भी कोई मतलब नहीं होता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं। ये तो दूसरे को आसानी से इम्प्रेस कर लेते हैं, पर इन्हें इम्प्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सोशल कम होते हैं, इनके दोस्त कम ही पाएंगे।
ये बचपन से ही शर्मीले और मासूम होते हैं। ये डे ड्रीमर होते हैं, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काइंड भी होते हैं। इनमें कुछ नया सीखने की चाह हमेशा बनी रहती है। ये बहुत ही क्यूरियस होते हैं। एक जीनियस व्यक्ति सदैव दूसरों की बातों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है। यही नहीं, वो रोमांचक चीजों को जानने के लिए सदैव उतावले रहते हैं। चीजों को भूलते भी बहुत हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव चीजों को भूल जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि एक रिसर्च में सामने आया है कि ज्यादा बुद्धिमान लोग किसी चीज को या फिर पुरानी बातों को भूल जाते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन है। ये जोक्स क्रैक करने में भी बहुत तेज होते हैं। सदैव दूसरों की बातों को अपोजिट करने वाले व्यक्ति या दूसरों का हंसी मजाक करके व्यंग करने वाले व्यक्ति का दिमाग दूसरों से ज्यादा सोचता है। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हैं। ये सोचते भी ज्यादा हैं और कल्पना भी बहुत करते हैं। वैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं और अपनी ही कल्पनाओं में खोए रहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति का दिमाग एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जो हमारी इस दुनिया से अलग हो। उनकी कल्पना एक ऐसी होती है जैसे कि वो अपनी कल्पना में बिल्कुल हकीकत को देख रहे हों, पर वे यह जानते हैं कि ये कल्पना हकीकत में नहीं है। तो ये सभी क्वालिटीज थी जो इंजीनियस या इंटेलिजेंट पर्सन में पाई जाती है। आप में इनमें से कौन सी क्वालिटीज पाई जाती है कॉमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सभी क्वालिटीज को अपनाना स्टार्ट कर देंगे, और ऐसा करने पे आप अपने लाइफ में एक बड़ा चेंज देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।